सोनम कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मशहूर एक्ट्रेस है, जिन्होंने एक नेशनल फिल्म अवार्ड और एक फिल्म फेयर अवार्ड जीती है और जिनको बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट फैशनेबल सेलिब्रिटी माना जाता है। तो दोस्तों आज मैं सोनम कपूर की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप सोनम कपूर के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। ये 2007 का रोमांटिक फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया संजय लीला वंसारी ने और इसमें रणबीर कपूर और सोनम कपूर लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.3/10 और इसका बजट था 45 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 20 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 39 करोड़ और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 2 दिल्ली 6। ये 2009 का ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश ने और इसमें अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर और अदिति राव हैदरी लीड रोल में है। इसमें एक NRI रोशन इंडिया वापस आते हैं और वो कैसे अपने बचपन के बारे में जानते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म का गाना मसक्कली अभी भी एक फेमस सॉन्ग है और इस सॉन्ग का रिमेक भी बनाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.1/10 और इसका बजट था 25 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 32 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 35 करोड़ और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 3 आई हेट लव स्टोरीज। ये 2010 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पुनीत मल्होत्रा ने और इसमें सोनम कपूर और इमरान खान लीड रोल में है। इसमें जय प्यार से जुड़ा हर सब चीज़ों को नफरत करते हैं और दूसरी तरफ सिमरन रोमांटिक चीज़ों को पसंद करते हैं और वो जय से प्यार भी करती है और फिर इन दोनों की स्टोरी को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.6/10 और इसका बजट था 30 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 45 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 70 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 4 आयशा। ये 2010 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें सोनम कपूर और अभय दल लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला 5/10 और इसका बजट था 18 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 15 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 22 करोड़ और फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 5 थैंक यू। ये 2011 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने और इसमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल और सोनम कपूर लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.7/10 और इसका बजट था 55 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 45 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 60 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 6 मौसम। ये 2011 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें शाहिद कपूर और सोनम कपूर लीड रोल में है। इसमें एक पंजाबी लड़का हरिंदर और एक कश्मीरी लड़की आयत के बीच में प्यार है पर बाद में इंडियन पाकिस्तान वॉर और टेररिस्ट अटैक्स की वजह से इन दोनों कैसे अलग हो जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.7/10 और इसका बजट था 26 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 32 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 40 करोड़ और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 7 प्लेयर्स। ये 2012 का हिस्ट फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है अब्बास मुस्तान ने और इसमें अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, बिपाशा बसु, नील नितिन मुकेश और सोनम कपूर लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला 4.1/10 और इसका बजट था 60 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 35 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 54 करोड़ और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 8 रंझाना। ये 2013 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है आनंदिल राय ने और इसमें धनुष, सोनम कपूर और अभय देओल लीड रोल में है। इसमें एक हिंदू लड़का कुंदन ने एक मुस्लिम लड़के जया से प्यार करते हैं पर बाद में कुंदन कैसे बिट्रेट होता है वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिल्म माना जाता है और ये फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म भी है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.6/10 और इसका बजट था 26 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 65 करोड़ और इसका बॉलीवुड कलेक्शन है 102 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 9 भाग मिल्खा भाग। ये 2013 का बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश ने और इसमें फरहान अख्तर, सोनम कपूर, दिव्या दत्ता लीड रोल में है। इसमें एक इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह कैसे ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को फरहान अख्तर के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पोर्ट्स फिल्म भी माना जाता है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.2/10 और इसका बजट था 40 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 112 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 201 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 10 बेवाकूफिया। ये 2014 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें आयुष्मान खुराना, सोनम कपूर और ऋषि कपूर लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.5/10 और इसका बजट था 20 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 16 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 22 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 11 खूबसूरत। ये 2014 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें सोनम कपूर, फवाद खान, किरण खेर लीड रोल में है।
इसमें एक रोमांटिक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मिली कैसे की यंग राजपूत प्रिंस जिन्होंने ऑलरेडी एंगेज्ड है उसी से प्यार में पड़ जाती है वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.4 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 20 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 35 करोड़ और वेलवेट कलेक्शन है 50 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 12 डॉली की डोली। ये 2015 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें सोनम कपूर, पुलकित सम्राट, राजकुमार राव और वरुण शर्मा लीड रोल में है। इसमें डॉली ने कैसे कैसे शादी करते हैं और शादी की रात में उन लोगों के घर से सारे पैसा और गोल्ड लेकर भाग जाती है वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 15 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन 14 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 19 करोड़ और फिल्म एवरेज निकला। नंबर 13 प्रेम रतन धन पायो। ये 2015 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको डिट किया है सूरज बरजतिया ने और इसमें सलमान खान और सोनम कपूर लीड रोल में है। इसमें अपने राज्य अभिषेक के 4 दिन पहले एक मर्डर की प्लॉट से बचने के लिए एक टफ राजकुमार को एक ही जैसे देखने वाले एक रोमांटिक लड़के के साथ बदल दिया जाता है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 160 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 210 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 432 करोड़ और फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 14 नीचा। ये 2016 का बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है और इसमें सोनम कपूर, शबाना आजमी, युगन रैली ट्रम है। इसमें 1986 में नीचा ने टेररिस्ट द्वारा हाईजैक वाले फ्लाइट पर कैसे अपनी जीवन सेक्रीफाइस करके 359 पैसेंजर्स को बचाती है वह इसमें दिखाई गई है। और इस फिल्म को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.7 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 20 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 80 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 130 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 15 पैडमैन। ये 2018 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें अक्षय कुमार, सोनम कपूर, राधिका आप्टे लीड रोल में है। इसमें लक्ष्मीकांत कैसे सैनिटरी पैड बनाने के लिए एक मशीन बनाते हैं और सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.9 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 35 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 101 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 207 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 16 वीडी दी वेडिंग। ये 2018 का फीमेल बर्थडे कॉमेडी फिल्म है और इसमें करीना कपूर, सोनम कपूर, शबरा भास्कर, शिखा तसानिया लीड रोल में है। इसमें चारों फ्रेंड ने एक वेडिंग में जाकर कैसे खुद को डिस्कवर करती है वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 3.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 60 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 80 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 130 करोड़ और फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 17 एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये 2019 का कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव, जूही चावला लीड रोल है। इसका IMDb रेटिंग मिला 5.5 और इसका बजट था 30 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 20 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 31 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 18 द जोया फैक्टर। ये 2019 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें सोनम कपूर और दुलकर सलमान लीड रोल में है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.3 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 27 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 5 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 10 करोड़ और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 19 वीडी द वेडिंग 2। ये अपकमिंग फीमेल बर्थडे कॉमेडी फिल्म है और 2018 का फीमेल बर्थडे कॉमेडी फिल्म वेडी द वेडिंग का ह्यूज सक्सेस के बाद अब इसका सेकेंड सिक्वल बनाने की सोच रही है मेकर्स ने और इसको डायरेक्ट करेंगे शशांक घोष ने और इसमें करीना कपूर, सोनम कपूर, शौरा वस्कर और शिखा लीड रोल में होंगे। तो दोस्तों आप वेरी द वेडिंग 2 के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा सोनम कपूर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सर की बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।